नाजरीन डेली टाइम न्यूज के खसूसी कोविड 19 बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर हुकूमत तेलंगाना के जेर एहतमाम 20 जुलाई बरोज पीर कोविड 19 मीडिया बुलेटिन के आदाद शुमार की इजराई अमल में आई, जिसके मुताबिक रियासती सतह पर जुमला 1198 मुस्बित पॉजिटिव केसेस का इंदराज अमल में आया, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हदूद में मुतवातिर आज भी 510 मुस्बित पॉजिटिव केसेस का इंदराज हुआ। जीएचएमसी हदूद में कल 557 मुस्बित पॉजिटिव केसेस सामने आए थे, लेकिन 20 जुलाई के योम यही तादाद 510 हो गई। इस तरह हैदराबाद में 47 मुस्बित केसेस की कमी वाकई हुई। मजमूई तौर पर रियासती सतह पर 98 मुस्बित पॉजिटिव केसेस की कमी वाकई हुई है। ताहम अवाम की बेचैनी और तशवीश में ताहाल कुछ कमी वाकई नहीं हुई है, लेकिन गैर मुसद्दिका इत्तला'आत के मुताबिक मुतासरीन की तादाद और अमवात में इजाफा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया फेसबुक पर इंतकाल की खबरें रोजाना गश्त कर रही हैं। अवामुन्नास का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत की जानिब से खातिरखा इकदाम नहीं किए जा रहे हैं और अवाम को यूं ही छोड़ दिया गया है बे आरो मददगार, जबकि रियासती हुकूमत वजीर सेहत ईटाना राजेंद्र की जानिब से गाँव मुस्तकर और शहरी हदूद में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर टेस्टों का खसूसी नज़्म किया जा रहा है, जिससे अवाम की कसीर तादाद इस्तेफादा कर रही है, जबकि खानगी दवाखाने मरीजों का इस्तेमाल करते हुए लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं और मौसर इलाज में भी नाकाम बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब सरकारी टेस्ट सेंटरों में मुफ्त टेस्टों का नज्म किया गया है। अवामुन्नास का वजीर आला तेलंगाना से मुतालबा है कि वो कोविड 19 को आरोग्य श्री में शामिल करे, जिससे रियासत की गरीब अवाम बआसानी इस्तेफादा कर सकती है। वहीं रियासती सतह पर जुमला 11,003 टेस्ट किए गए, जबकि जुमला मुस्बित केसेस 46,274 दर्ज हुए हैं और सेहतियाब होने वाले 1,885 अफराद को दवाखानों से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। रियासत में 7 अमवात के साथ जुमला अमवात की तादाद 415 हो गई है। दवाखानों से ताहाल 34,323 मुतासरीन को सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद 510 केसेस के साथ अपनी बरतरी बरकरार रखे हुए, जबकि दीगर अजला रंगारेड्डी से 106, मेडचल से 76, संगारेड्डी से 10, खम्मम से 3, वरंगल अर्बन से 73, वरंगल रूरल से 1, निर्मल से 1, करीमनगर से 87, जगतियाल से 36, यादाद्री भोनगिर से 1, महबूबाबाद से 36, पेद्दापल्ली से 8, मेदक से 13, महमनगर से 50, मंचरियाल से 3, भद्राद्री कोत्तागुड़म से 11, जयशंकर भूपालपल्ली से 26, नलगुंडे से 24, आदिलाबाद से 11, आसिफाबाद से 4, वेखाराबाद से 11, नागरकन्नूल से 27, जंगाँव से 12, निजामाबाद से 31, मोलुगु से 9, सिद्दीपेट से 3, सूर्यापेट से 12, जोगुला लांबा गोदवाल से 3 मुस्बित केसेस का इंदराज अमल में आया। तेलंगाना में कोविड 19 की जुमला 61 सरकारी दवाखाने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनमें 17,081 बेड्स और आईसीयू वार्ड्स में 1,616 बेड्स के अलावा इंतहाई हसास वेंटिलेटर्स की तादाद 471 है। इसके अलावा 11,928 आइसोलेशन बेड्स हैं, 10,768 मखलुआ हैं, जबकि 1,160 पर मरीजों का इलाज जारी है। इसी तर्ज पर 3,537 ऑक्सीजन बेड्स में से 646 पर कोविड 19 के मुतासिन का इस्तेफादा कर रहे हैं, जिनमें से 2,891 मखलुआ हैं। 1,616 आईसीयू बेड्स दस्तियाब हैं, जिनमें से 316 इस्तेमाल में हैं, जबकि 1,300 मखलुआ हैं। बावजूद इसके अवाम के जहनों से तश्वीश खत्म नहीं हो पा रही है। अवाम का एहसास है कि महकमे सेहत हकीकी आदाद शुमार से गुरेज कर रही है। अवामुन्नास को चाहिए कि वो वबा के इंसदाद के लिए महकमे सेहत के बताए गए उसूलों पर अमल आवारी बरकरार रखें। हो सकता है कि अद्वियात का टेस्ट भी जल्द ही कामयाब हो जाए और इस मौलिक वबा कोविड 19 से मुल्क की अवाम को छुटकारा हासिल हो सके।